वाह, स्नोफॉल, क्या व्यू है, मस्त व्यू। ये देखिए, चारों तरफ सफेद हो चुका है। आखिरकार हमारे घर तक बर्फ पहुंच ही गई, इसी का तो इंतजार था। ये देखिए, वाओ, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे न्यू चैनल में जिसका नाम है करण अग्निहोत्री ब्लॉग्स। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बोए बोए देखो कितना खुश हो गया है बोए। लाहौल में विनी ने बहुत बर्फ देखी है, बट मनाली में इसने फर्स्ट फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है, तो कितना खुश है। देखिए बिने बोए, वरना विनी तो वैसे बर्फ में रहता था लाहौल में। ये तो इसके लिए कोई कुछ भी नहीं है, चार चार पाँच पाँच फुट बर्फ में रहता था ये। बोई इधर आओ, बोई पापा के पास आओ, कम 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 बिने, आजा 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 आजा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, शक्ल दिखाओ अपनी, जरा शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ बिने, बिने की मूछें सफेद सफेद मूछें। खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया मैंने। अब मैं विनी को बर्फ मारूंगा, भागो 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 भागो। होते थे लेकिन यहाँ मनाली की बर्फ हमने, मतलब मैंने जो मनाली की बर्फ है इस बार पहली बार देखी है। ये मेरी पहली सर्दी है यहाँ पर 14 मील में मनाली में। तो यहाँ तक बर्फ़ आती है, मैंने सुना था कि बर्फ़ यहाँ पर आती है, बट मैंने देखा नहीं था। मैंने पहली बार यहाँ से बर्फ़ देखी है सुमरा मुल में। इससे पहले मैं लाहौल में ही रहता था, तो लाहौल की बर्फ़ तो काफ़ी होती थी, लेकिन ये बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी है देखने के लिए। और हमारे छोटे नवाब तो अभी उठे नहीं है, वो सोए हुए हैं। जब उठेंगे तो उन्हें भी दिखाएंगे यहाँ की बर्फ़। अभी वो सो रहे हैं क्योंकि रात भर वो जागता रहता है, रात भर सोता नहीं है और सुबह में लेट तक सोता है। तो जब उठेगा तो उसको भी दिखाएंगे यहाँ की बर्फ़। और चार पाँच दिन से मौसम इतना ख़राब था कि मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। बारिश ही बारिश, मतलब रात दिन बारिश लगी हुई थी। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, देख कर मन खुश हो गया है। आज हल्की हल्की धूप लगी है और बर्फ़, मतलब कि मन खुश हो गया। ये देखिए हल्की सी धूप लगी है और चारों तरफ सफेद, मजा आ रहा है। A few moments later, पापा हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? पापा हम दोनों बर्फ देखने जा रहे हैं। बल्लू उठ चुका है, बल्लू उठ गया तो मैंने सोचा चलो बल्लू को बर्फ दिखाते हैं, चलें बल्लू। और बल्लू थोड़ा गुस्सा कर रहा है पापा को, सुबह सुबह जैसे बच्चे करते हैं, कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा पापा। वाओ पापा, वाओ वाओ, यो देखो, वो कैसा लगा पापा? क्या है पापा? वाइट 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 बर्फ, वो देखो बर्फ देखो पापा, यहाँ देखो। हेलो बोलो, हेलो। ये मूडी बंदा है, जब मन होगा तभी हेलो करेगा, हाय करेगा, वरना नहीं करेगा। बालू बोलो पापा, वहाँ देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो पापा। उ बल्लू को नीचे नहीं छोड़ सकता हूँ, नीचे गीला है, बर्फ ही बर्फ है, कहीं सारे पाँव गंदे कर देगा। और ये बिन्नी बाबू, बाबू लाल
हमारा बाबूलाल घर में है, एक और है वो बाबूलाल घर में है, वो वहाँ पे बर्फ के मजे ले रहा है। लोग शोर कर रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं। ओ माशा, चले माशा, माशा नीचे चले चले। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं वापिस। मेरे बॉय, बॉय 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 बॉय, देखिए कितना खुश हो चुका है। ओए शरारती, और देखिए मेरे वर्कशॉप की हालत कैसी हो चुकी है। ये झाड़ियाँ थी सब बर्फ की वजह से नीचे बैठ चुकी है, काटने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही बर्फ के बाहर से नीचे बैठ चुकी है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया सारा सारा का सारा बर्फ से, और पानी कितना ज़्यादा बह रहा है यहाँ पे। बुई और जिप्सी का मज़ा तो बर्फ में चलाने का ही है, और मनाली में ढेर सारी जिप्सियाँ हैं, जितने लोग उतनी जिप्सियाँ। बोए वैसे ऐसा एक घर होना चाहिए, चारों तरफ जंगल और बीच में एक छोटा सा घर। ये देखिए उतना साफ दिखेगा नहीं मेरे कैमरे में, बट ये देखिए और ये रहा हमारा बॉय। तो अभी मैं लेने आया हूँ लकड़ी तंदूर के लिए, तंदूर मैंने साफ कर दिया, तो उसके लिए मैं लकड़ी लेने आया हूँ, और साथ में बाल्टी भी लाया हूँ जो मैंने लकड़ी काट के रखी हुई थी उस दिन। तो मैंने कहा था ना जैसे कि अब मौसम ख़राब हो रहा है तो एक दो दिन बारिश रहेगी, और देखिए वो लकड़ी जो मैंने काट के रखी हुई थी वो काम आई, बट थोड़ी सी बची हुई है तो आज भी हम जलाएँगे, फिर कल शायद, मौसम साफ है अच्छे से मैंने नेट में देखा था। तो तंदूर जलाते हैं फिर चाय पीते हैं, अभी चाय पानी कुछ भी नहीं पिया है, फिर उसके बाद बात करते हैं। बोए वैसे काफ़ी मज़ा आता है ऐसे मौसम में, चाय पकौड़ा ये वो अगर हो तो एंजॉय, बहुत मज़ा आता है। और ऐसे मौसम में तो पीने वालों के तो मज़े लगे होते हैं। मनाली में इस टाइम तो ऐसा होगा कि सब लोग अपना जिप्सी उठा के कहीं दूर जाके अपना पार्टी वार्टी मनाएंगे, आज एंजॉय करेंगे, पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम घर में ही बैठेंगे। शॉप मैंने ओपन कर लिया है, तो आज वर्कशॉप की जो बार बर्फ पड़ी है उसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो ये स्नोफॉल हुआ ये रात में हुआ, इसीलिए इसका वीडियो नहीं बना पाया, और सुबह जब मैं उठा तो देखा बार बर्फ ही बर्फ है। तो ये शायद रात के 3 या 4 बजे के करीब, सुबह के 3-4 बजे के करीब ये बर्फ़ गिरी है। देखिए ये मैंने साफ़ कर दिया है, अब थोड़ा सा रह गया, बट लॉल में मैं हर रोज़ ये काम करता था। सर्दी में लॉल में ऐसा ही होता है, रात में बर्फ़ पड़ती है, सुबह फिर रोज़ फेंकना पड़ता है, और लॉल में तो ये मतलब एक तरह से एक लोगों का काम भी बन जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि छत से बर्फ़ फेंकने का पैसा देते हैं लोगों को, तो जो नीचे से काम करने वाले लोग आए होते हैं, जैसे आपके नेपाल के हैं, कोई बिहार के हैं, तो वो लोग सर्दी में यही काम करते हैं, लोगों के छत से बर्फ़ फेंकते हैं और उसका पैसा मिलता है उनको। तो मतलब सर्दी में भी लॉल में काम ही काम होता है, तो लोगों के घर से छत फेंकने का सर्दी में पूरा मतलब इतना होता है कि सर्दी का पूरा खर्चा निकल जाता है अपना वहाँ पे। बट मैंने ये काम नहीं किया, पर मैंने लोगों को करते हुए देखा बहुत, अपने पास इतना मतलब घर में काफ़ी होता था फेंकने के लिए, तो ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता था। अरे
तो बल्लू भी बर्फ में खेल रहा है। तो यहाँ देखो गिरोगे हो, थोड़ा साइड हो जाओ, साइड डिम हो जाती है, डिम। पापा यहाँ से गिरते भी हो, तो दोस्तों आज देखिए लंच में क्या बना है मैडम जी ने, आज लंच में क्या बनाया हुआ है। अभी मत दिखाइए, अभी मैं सूप पिलाने वाली हूं। हाँ, वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। A few moments later. तो दोस्तों लाल की भाषा में इसको बोलते हैं सीऊ, असल में ये सिड्डू है, साथ में आलू है और आटा। तो टेस्ट करते हैं। A little longer than a few minutes later. ये कपड़े सुखाने के लिए, तो चले बॉय छत पे चलो। मिले आ जाओ, सारी बर्फ पिघल चुकी है, थोड़ी बहुत रही है इधर उधर, बाकी सब। और बॉय भी आ गए, अब पहाड़ियों के चोटी में बर्फ बची हुई है, ये देखिए। और बाकी तो सब जगह ख़त्म है। सुबह कितना खूबसूरत लग रहा था और अभी फिर से वैसा ही। और ये देखिए सब मनाली में जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे वो अब वापस जा रहे घर, सब ने स्नोफॉल देख लिया और वो सब यादें लेके अपने घर की ओर जा रहे हैं। और ये रहा मेरा वर्कशॉप, यहाँ पर धूप कम आती है इसीलिए यहाँ पे बर्फ अभी तक बची हुई है, बाकी सब जगह ख़त्म है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है आपको, मैं इस पहाड़ी में जाना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत है और काफ़ी मतलब चोटी जो है इसकी, मौका मिला तो ज़रूर जाऊंगा और आप लोगों को भी लेके जाऊंगा साथ में, काफ़ी अच्छी जगह है। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि हम वहाँ चलेंगे, पर अभी सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं और वैसे भी सर्दी का टाइम है, तो जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, और यहाँ पर तो बर्फ़ पड़ती रहती है, जैसे ही मौसम गर्मी का आएगा तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, बट अभी थोड़ा घूमना फिरना बंद है और सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है, तो फिर तो घर में ही बैठना पड़ेगा। वाओ, अब कपड़े सुखा लेते हैं। हेलो गाइस, तो मैं अभी सामान लेके आया हूँ पतली कुल से, मैं सामान लेने गया था, बाहर अंधेरा हो चुका है, तो ये देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है, तो मैं सामान लेके आया हूँ, ओरियो और चीज़ बॉल। और अभी यहाँ पे पतली कुल में भी टाइम हो चुका है, आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन लग रहा है, तो यहाँ पे मनाली में टाइम 6:30 कर दिया है, तो मैं वक्त पर पहुँच गया वरना कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं लेके आया हूँ चीज़ बॉल और ये, और एक दो समोसे लेके आया हूँ, तो चाय पीते हैं। A few moments later. शाम के 8:30 हो रहे हैं और बाबूजी बाहर जाना चाहते हैं, और देखो कितने बुरी तरह से रो रहे हैं। बिन्नी याद है, बिन्नी, ओ बिन्नी, बिन्नी यहाँ देखो पापा कैसे रो रहे हैं, यहाँ देखो। चलो 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 जाएंगे जाएंगे, चलो चलो बाहर जाओ, चलो चलो चुप हो जाओ। देखो देखो बोई बोई का, वाओ बोई, चलो 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 जाएंगे जाएंगे। पापा इतनी रात को बाहर नहीं घूमते, पता है आपको, इतनी रात को बाहर नहीं घूमते हैं।
पापा बोल रहे हैं बाहर जाने के लिए और बाहर अंधेरा है, तो चलो पापा को घुमा के लाते हैं। अब देखो कैसे चुप हो गया। बोलो बाहर अंधेरे में क्या करेंगे पापा हम? पता है आपको बाहर अंधेरा हो चुका है, ले जाएंगे उठा के, पता है पुलिस वाले ले जाएंगे उठा के 6:30 बजे के बाद बाहर नहीं घूमते, पता है। जाना है जाना, पापा अंधेरा हो रहा है नीचे, मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कितना अंधेरा हो रहा है और बाहर जाने की जिद कर रहा है। ये देखिए कितना अंधेरा है पापा, बाहर देखो कितना अंधेरा है, आप फिर भी बाहर जाने की जिद कर रहे हो। हम गेट खोलेंगे, माशा कहाँ जाने पापा, कहाँ जाना पापा, बाहर अंधेरा है देखो, विनी भी आया, वे ने बोए रास्ते में नहीं जाते, गाड़ी आ रही है बहुत ज़्यादा, चलो इधर आओ। एक तो ये दोनों ही बहुत ज़िद्दी है, एक ये भी और ये छोटा छोटे नवाब भी हमारे, देखो आंखों में कैसे आंसू लाए बाहर घूमने के लिए, और जुखाम हुआ है। और ये पापा पापा हम दोनों देखो कैसे देखते हैं, क्या कर रहे हैं हम, बाहर अंधेरा हो रहा है पापा, वहाँ देखो क्या करेंगे हम रात को, बाहर नहीं घूमते पता है, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, बोले हम दोनों चले जाएंगे उठा के। हम बोले विनी कहाँ गया, कहाँ गया बोए, कहाँ गया पापा बोए, बोए कहाँ गए, वो बोए उधर है, चलें पापा अंदर चलें, पापा अंदर जाएं, अंदर जाएं चलें, हैं नहीं जाएं, चलो अंदर जाएंगे, चलो 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 जाना नहीं जाना बेले, तो चलो अंदर चलते हैं, चलते हैं ना पापा, हो गया अभी के लिए इतना बहुत, तो चलो 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 बिने आगे चलो आगे चलो। देखो बिने कैसे जा रहा है पापा, बिन्नी तो बिल्कुल भी जिद नहीं करता है, आप तो बहुत जिद्दी हो, देखो बिन्नी चलो बिन्नी जिद नहीं करते हैं पापा, यहाँ देखो हम दोनों बल्लू देखो यहाँ पापा, कहाँ है बल्लू, हमारे बल्लू को तो शीमी आ रही है, चल चलो अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे। और बल्लू फिर से रोना शुरू हो गए, यहाँ देखो इसको देखो शैतान पापा बाहर क्या करेंगे, अंधेरा हो रहा है इतना गुस्सा गुस्सा नहीं करते पापा, चलो चलो पहले नोजी साफ कर लेते हैं ना। A few moments later. तो दोस्तों आज डिनर मैं बना रहा हूँ, डिनर में मैं बनाऊंगा चिकन चावल और चपाती, टेस्टी बनाऊंगा वैसे। A little longer than a few minutes later. तो दोस्तों खाना रेडी है, चिकन मलका की दाल और राइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और गुड नाइट, और एक बात और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।